सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। 18 नवंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 6 की, विषय है विज्ञान। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों पौधों को जानिए, ठीक है। अब यहाँ पर बता रखा है पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, तो पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। उन्हें भोजन मिट्टी या पानी से नहीं मिलता, पत्तियां हरी होती हैं इसलिए भोजन बना पाती हैं। ये हरे रंग का रासायनिक पदार्थ क्लोरोफिल कहलाता है। भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सही गलत का चिन्ह लगाएं, तो यहाँ पर आपको सही गलत का चिन्ह लगाना है। अब देखिए, आप पहला है भोजन बनाने के लिए पौधों को ऑक्सीजन चाहिए, गलत, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए पौधों को। दूसरा, पौधों को भोजन मिट्टी से मिलता है, तो हम लिख देंगे गलत, क्योंकि मिट्टी से पौधों को भोजन नहीं मिलता। तीसरा है पौधे अपना भोजन हरी पत्तियों से बनाते हैं, बिल्कुल सही, इस पर हमने सही का निशान लगा दिया। चौथा है प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, करेक्ट, होती है ज़रूरत, ठीक है। पांचवा है पौधों को भोजन सूर्य से मिलता है, गलत, सूर्य से भोजन नहीं मिलता बच्चों। हाँ, सूर्य के प्रकाश में पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, वो अपना भोजन बनाती हैं, लेकिन काम भोजन बनाने का पत्तियों का होता है, ठीक है। सूर्य से भोजन नहीं मिलता, सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन बनाया जाता है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है उसके लिए। अब यहाँ पौध सर्जन के बारे में पढ़ लेते हैं। पानी जो ज़मीन पर गिरता है वह पौधों की जड़ों द्वारा सोख लिया जाता है। जड़ों से पानी तने से होता हुआ पौधों की पत्तियों तक पहुँचता है। पत्तियों में ये पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है, मतलब उड़ जाता है वाष्प बनकर, और फिर वाष्प के रूप में ही वायुमंडल में चला जाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई हुई है कि यहाँ से जड़ें जो है पानी का अवशोषण कर रही हैं, ठीक है। यहाँ से आगे तने से होता हुआ रसारोहण हो रहा है, पत्तियों तक पानी पहुँच रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, जल का वाष्प के रूप में निष्कासन, ये बूंदे बूंदे दिख रही है ना, ये अच्छा। अब यहाँ पर भी आपको ये दिया हुआ है कि देखिए, आइए अभ्यास करें। वाष्पोत्सर्जन के लिए पानी कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है ये जानने के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। तो देखिए, ये चार ऑप्शन है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ये वाला, आपको सीरियल वाइज लिखने हैं ये सही क्रम में, ठीक है। पहली लाइन में आप लिखेंगे ये जड़ पानी को अवशोषित करती है, दूसरी लाइन में लिखेंगे पानी जड़ से तना तक पहुंचता है, तीसरी लाइन में आप ये वाली लाइन लिखेंगे तना पानी की पत्तियों तक पहुँचता है, चौथी लाइन में लिखेंगे आप पत्तियों से पानी वाष्पित हो जाता है, ये वाली लाइन, ठीक है। जैसे जैसे नंबर डले हुए हैं, सबसे पहले वन वाली लाइन लिखना, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, सही क्रम में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये करके देखना है आपको, ये सभी बच्चे करके देखेंगे। क्या करना है, दो गमले लीजिए, एक जैसे पौधे लगे हुए, एक पौधे की पत्तियों पर पॉलिथीन धागे से बांध दीजिए और उसे धूप में रख दीजिए। इसका नाम रख दीजिए ए, उस गमले पर लिख देना, या तो ए लिख देना या का लिख देना, ठीक है, का कबूतर वाला का। दूसरे गमले की पत्तियों पर भी एक पॉलिथीन धागे से बांध दीजिए, पत्तियों पर बांध दिए, ठीक है, और उसे घर के अंदर रख दीजिए। उसका नाम रख दीजिए खा, या उसका नाम बी रख देना, ठीक है, या तो खा रखना या बी रख देना, एक ही बात है। दो घंटे, अच्छा, खा रख दीजिए, फिर उसके बाद 12 घंटे बाद, ठीक है, 12 घंटे बाद। अब इसमें ये नहीं बता रखा, ये 2 घंटे लिख रहा है, वैसे तो 2 घंटे जैसे ही लग रहा है, 12, तो इसमें 2 घंटे, आई थिंक 2 घंटे बाद दोनों गमलों की पॉलिथीन को देखिए, ठीक है। अब आपको का में भी लिखना है और खा में भी क्या लिखना है बच्चों, कि गमले के पॉलिथीन में आपने क्या देखा, ठीक है, वो आपको यहाँ लिखना है। पहले करके देखेंगे सही बच्चे प्रैक्टिकली, क्योंकि कुछ चीज़ें आप करके देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएंगी प्रैक्टिकली खुद करने में, और आप इंजॉय भी करेंगे, करके देखनी चाहिए, ठीक है।
साइंस में प्रैक्टिकल्स होते हैं जो हमें करके ही देखने पड़ते हैं। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।